मध्य प्रदेश के सियासी घमासान के बीच पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विधायकों के साथ मस्त थे। कभी विधायकों के साथ वो चर्चा करते नजर आ रहे थे तो कभी क्रिकेट खेलते नजर आए। शिवराज सिंह चौहान का कहना है सत्य और न्याय की जीत होगी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ बहुमत साबित करने से बच रहे हैं, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम आराम से हैं, विधायक आराम से हैं और आने वाले समय को देखते हुए जनता भी आराम से है। उन्होंने कहा सत्य की विजय होगी और न्याय की जीत होगी। कांग्रेस के वकीलों द्वारा दो हफ्ते का समय मांगने पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा क्या हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं? पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, बहाना बनाकर और कुछ नियुक्तियां कर दो, इसीलिए समय मांगा जा रहा है। आने वाले समय को देखते हुए भाई चालू आराम से सत्य की विजय हो, भाई चालू कर दो, न्याय की जीत होगी। गाय के लिए हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं जी, अब वो जान गए संख्या बल उनके पास नहीं है जी, बहुमत खो चुके हैं, जमीन पैर के नीचे से खिसक गई है जी। और ये बहाना बना के और कुछ दिन काट लो और कुछ और नियुक्तियाँ कर दो जी, केवल इसलिए कर रहे हैं, लेकिन न्याय की और सत्य की जीत होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर हम सबका विश्वास। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।